हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात के मेहमान से आपका परिचय कराते हैं और वो हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उनका जो मैंने इंटरव्यू किया है उसके कुछ अंश अब आप देखिए। हु इज द रियल फॉरेन मिनिस्टर? असली विदेश मंत्री आप हैं या मोदी जी हैं? आई वुड से आपका सवाल जो है एक किस्म से गलत है। असली मंत्री में सोच किसकी, विजन किसकी, स्ट्रेटजी किसकी, वो अलग सवाल है। तो मैं कहूँगा विजन जो है वो उनका है। पिछले 9 साल में जो विदेश नीति है उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग छाप देखते हैं, एक स्टैंप दिखाई देती है अलग से, जिसमें ऐसा लगता है कि भारत अब अपनी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार है, और उसके लिए अगर आप किसी को नाराज भी करना चाहें तो आप कर देते हैं, अपनी बात स्टर्नली आप रखते हैं। ये जो कन्विक्शन है ये कैसे आया? देखिए देश भी बदल गया है, प्रधानमंत्री भी बदल गए, और विदेश नीति तो फिर स्वाभाविक है तो विदेश नीति भी बदलेगा। जिस दिन आप व्हाइट हाउस में जाने वाले थे उस दिन सुबह बराक ओबामा ये इंटरव्यू दे देते हैं, अब ये चांस की बात है या प्री प्लान्ड है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसी दिन उनका ये इंटरव्यू आया और उन्होंने ये बात कही। फिर व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेस उसी का एक्सटेंशन वाला सवाल भी पूछ लेता है। इज इट ऑल हैपनिंग बाय चांस और इट्स बाय डिजाइन? लोगों को लगा कि ये विजिट बहुत सक्सेसफुल होगा, कि सचमुच भारत और अमेरिका के बीच में ये एक किस्म से टर्निंग पॉइंट जो कहा गया, मुझे लगता है कि जिन जिन को हो सकता कि उनके लिए वो उतना कंफर्टेबल नहीं था तो उन्होंने जो कहा ना तब कह दिया। आर यू अ रिमोट कंट्रोल्ड मिनिस्टर? माने रिमोट मेरे हाथ में है किसी और के हाथ में? आई वुड से आई एम अ मेंबर ऑफ अ टीम, बट आई एम अ मिनिस्टर हु हैज वन ग्रेट एडवांटेज। मेरी पूरी जिंदगी जो है इस मिनिस्ट्री में कटी। जब बिलावल भुट्टो गोवा में आए थे SCO समिट में और आपने उनसे हाथ नहीं मिलाया, ज़्यादा बात नहीं की, और आपने उनको ऐसे करके पोलाइटली जाने के लिए कह दिया। जब आप किसी इवेंट पे आते हैं तो आप उस इवेंट, उसकी अपनी एजेंडा होती है, आप उस विषय पे रहते। अब वो आए SCO मीटिंग पे और वो बात करने, क्योंकि उनके इंटरव्यू वगैरह थे, और वो गए किसी और लेन में। Someone who is misusing an occasion should not let it pass. क्या POK भी आपकी foreign policy का हिस्सा है? POK भारत का हिस्सा है। क्या आप उसको लेने के लिए कोई डेडलाइन है हमारे पास? नहीं, कि हम POK को लेंगे, अपना दावा पेश करेंगे? तो देखिए इसमें शुरू से हमारी पोजिशन बहुत स्पष्ट है, ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी आप जानते हैं, इसमें तो देयर इज अ नेशनल पोजिशन ऑन दिस। चुनाव प्रचार में आपके खिलाफ एक नैरेटिव चलेगा या विपक्ष के लोग एक बात जरूर कहेंगे, वो ये कि पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और चीन से डर गए। भारत की पब्लिक जानेगी कि दोनों झूठ हैं, दोनों झूठ हैं। कि अगर आप आज देखें पाकिस्तान के हालात, देखें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, देखें दुनिया के आतंकवाद पे, अगर आज दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक विचारधारा है, ये कैसे बना? ये पश्चिमी देशों ने तो नहीं बनाया। चीन के बारे में मैं बहुत क्लियरली मैं आपको कहूँगा, और मैं पहले भी कह चुका कि जो हमारे जो अग्रीमेंट जो थे 93 के 96 के, चीन ने उसका उल्लंघन किया है। भारत की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है चीन के बॉर्डर पे उस संख्या में है जो हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इस इंटरव्यू की 3 खास बातें हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का इतना बेबाक इंटरव्यू इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। दूसरी बात, डॉक्टर एस जयशंकर का हिंदी में यह पहला ऐसा इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने हिंदी में जमकर बात की है, और जो लोग सोचते हैं कि वो अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात करते हैं वो ये भी देख पाएंगे कि वो हिंदी भी उतना ही अच्छा बोलते हैं। और तीसरी बात ये कि ये टेलीविजन पर उनका सबसे लंबा इंटरव्यू है, और इसीलिए हमने इस इंटरव्यू को 2 भागों में बांटा है। इस इंटरव्यू का पार्ट 1 आप शनिवार रात 9 बजे देख पाएंगे आज तक पर, और इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा यानी इंटरव्यू का पार्ट 2
आप रविवार को रात 9 बजे देख पाएंगे। इसलिए बहुत ही खास, बहुत स्पेशल इंटरव्यू है। और अगर आपकी विदेशों को लेकर रणनीति में, डिप्लोमेसी में अगर आपकी रुचि है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति क्या है आप जानना चाहते हैं, तो आपको ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए।